हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो जब से कोरोना का सिचुएशन आया है तो बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करते होंगे ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। डेफिनेटली डायरेक्टली तो आपको आते होंगे, अपॉइंटमेंट आप देते भी होंगे, बट थ्रू VirHom भी आप अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो उसके पहले उसके लिए क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। आप अवेलेबल हैं, आपका पूरा प्रोफाइल आपका क्रिएटेड है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोफाइल में सिर्फ जाके एडिट करना है और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बनाना है। तो जैसे मैंने अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बनाया हुआ है, तो मैं फिर से ये दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो ये है कि आप संडे है, इसको हॉलीडे सेट करते हैं। जैसे मैं आपका जो भी हॉलीडे है वो आप सेट कर लीजिए। अवेलेबल इन क्लिनिक मतलब डायरेक्ट आपका फिजिकल, तो मैंने 11 बजे लगाया, तो ये सारे ग्रीन होते जाएंगे जी। जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं सिर्फ दोबारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको। एंड नॉट अवेलेबल ऑलरेडी आपको येलो दिखाएगा, एंड ऑनलाइन में हमने ये दिखाया हुआ है। तो ये तो रहा एक नंबर क्लिनिक का। मैं दो क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने दो क्लिनिक पे अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना हुआ है। ऑनलाइन ये 5:30 का है, एंड अदर अवेलेबल टाइम पे ये है। तो ये जैसे ही आप येलो वालों को उस पर करोगे तो ये स्टार्ट होते जाएंगे। एक महीने का आपका शेड्यूल या एक वीक का शेड्यूल बना सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक महीने का शेड्यूल बनाए, या 10 घंटे के स्लॉट है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको एक महीने के लिए चाहिए ये शेड्यूल या एक महीने के एक वीक के लिए या एक महीने के लिए। तो यहाँ पे 1 मंथ मैंने लिया, और ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द शेड्यूल डेट 1 अप्रैल से। यानी अभी हमें 1 मई तक हमें नहीं बनाना है, ठीक है, ये कल से शुरू हो गया। अब क्या होगा कि आपको पेशेंट ढूंढ रहा है ना, तो आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, बट आप कहाँ अवेलेबल हैं ये पता नहीं है। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, तो अब ये अवेलेबिलिटी आप देख रहे थे, मेरा नाम ढूंढा है उसने, क्लिनिक के नाम से भी वो ढूंढ सकता है। तो ये आ गया। तो जैसे ये क्लिनिक के नाम पे आप देखोगे तो मेरे दो क्लिनिक का शेड्यूल दिख रहा है। यानी कल मैं 11 बजे क्लिनिक में हूँ, 11:30 बजे हूँ, 12 बजे हूँ, 12:30 बजे हूँ, 1 बजे हूँ, और 1:30 बजे ऑनलाइन लोकल में। और फिर शाम को दूसरे क्लिनिक पे हूँ, 11 बजे हूँ, 11:30 बजे हूँ, 12 बजे हूँ, 12:30 बजे हूँ, 1 बजे हूँ, एंड 1:30 बजे हूँ। तो ये इस तरीके से ये क्लिनिक का टाइमिंग है, ये अलग अलग टाइमिंग आता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम दिखाता है। जो ऑनलाइन है वो ब्लू है। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी को मान लीजिए आप ऑनलाइन अगर ज्यादा आ रहे हैं कंसल्टेशन, तो आप ऑनलाइन टाइमिंग दे सकते हैं स्लॉट। तो अगर मेरे को कोई यहाँ से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है ऑनलाइन, फिजिकल विजिट करना चाहता है, तो ये ऑनलाइन के लिए है। तो वो यहाँ पे पूछेगा, फॉलो अप है, अपना नाम डालेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेगा, फोन नंबर डालेगा, और ये पासवर्ड डालेगा, और आपको मैसेज भी चला जाएगा जो भी पासवर्ड वो सेट करना, पेमेंट क्रिएट करेगा। और ये 50 रुपये का जो पेमेंट है इस ऐप को यूज करने की वजह से लगेगा, क्योंकि ये हमने चार्ज रखे हैं, जिससे कि आपके अपॉइंटमेंट वही लोग करें जो सच में होते हैं। फालतू लोग अपॉइंटमेंट ले लेंगे और फिर वो आएंगे नहीं या ऑनलाइन आएंगे नहीं। तो आप फिर आपके पास सुविधा है कि आप ऑनलाइन फोन पे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, उनको आप कोई लिंक भेज करके, जैसे हम लोग VirHom पे मीटिंग आईडी करते हैं, प्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे Virgin_HAHNEMANN'S, उस तरीके से किस तरीके से कंसल्टेशन वो प्रीफर करते हैं वो आप भेज सकते हैं। एंड ये जो लिंक है आपका, ये मैंने कॉपी किया है, तो ये कॉपी क्योंकि आपको हो जाता उसने, तो ये लिंक आप अपने पास कॉपी कर लीजिए। तो ये लिंक जब आप डालोगे, जैसे हम उसमें डालते हैं ये लिंक को और पेस्ट करते हैं,
तो ये लिंक अपने पेशेंट्स को भेज दीजिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये देखेंगे आप, ये अपॉइंटमेंट आ जाएगा एंड उसको ऑनलाइन वाला स्लॉट दिखेगा, और उसको बोल बता भी दीजिए कि जो ब्लू कलर का स्लॉट दिखेगा वो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, हालांकि दिखता तो है ये अवेलेबल क्लिनिक अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो फिर भी कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते और अपॉइंटमेंट, तो इस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट होगा और आपको मैसेज आ जाएगा एंड उस पेशेंट को भी मैसेज चला जाएगा। बाद में आप फीस वगैरह कैसे लेना है वो आपका प्रोसीजर है, बट ये अगर आपको लगता है तो आप कम से कम शेड्यूल तो बना लीजिए। कभी कभी आप शेड्यूल ही नहीं दिखता आपका, बहुत सारे लोगों का शेड्यूल नहीं दिखता है। अगर ये सपोज दैट मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर का मान लीजिए शेखर का डालता हूँ, नहीं है अलगोर अलगोर, हाँ ये सदानंद अलगोर है, इसका शेड्यूल देखना चाहे तो ये नहीं है, तो इसका इसने बनाया नहीं, तो ये अपने क्लिनिक में और सॉरी अपने अकाउंट में जाके डॉक्टर के अकाउंट में जा करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये चाहता था कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट का ये सिस्टम आप इस फीचर को और उनकी अगर इच्छा हो तो यूज कर सकते हैं। थैंक यू।